मुजफ्फरपुर की केंद्रीय कारा में महिला बंदी ने जेल अधीक्षक समेत राइटर पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जेल अधीक्षक ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। पीएमओ से प्राप्त पत्र के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सन जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ललिता सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठित किया है। जांच टीम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में मुशहरी ग्रामीण की CDPO मंजू कुमारी, महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद गौस अली, वरीय उप समाहर्ता प्रतिभा सिन्हा व महिला हेल्पलाइन की परामर्शी पूर्णिमा कुमारी शामिल है। उनके द्वारा एक परिवाद दिया गया है, गंभीर आरोप कारा के पदाधिकारियों पर लगाए गए हैं और जिसकी जांच के लिए एक 5 सदस्यीय टीम DPO ICDS की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो अपनी जांच करके रिपोर्ट समर्पित करेगी। रिपोर्ट गोपनीय है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिया सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन की ओर से निष्पक्ष रूप से संपूर्ण मामले की तहकीकात की जाएगी और जो भी इससे निकलेगा और यदि पाया जाएगा कि कारा के पदाधिकारी या कर्मीगण दोषी हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार्जेस वगैरह सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, मैं पूरा डिटेल आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी इसमें जांच चल रही है। आरोप गंभीर है और गंभीर आरोप के मद्देनज़र जो 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें कि महिला पदाधिकारी DPO ICDS की अध्यक्षता कर रही है, अपेक्षा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में कुछ फर्दर कहा जा सके। महिला के द्वारा भी सर इनकार किया जा रहा है कि उसके नाम से गलत आधिकारिक रूप से हमको ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र उपलब्ध कराया गया था विभाग के द्वारा, तो तत्काल रूप से परिवाद प्राप्त होते ही इसमें कार्रवाई की गई। महिला के द्वारा यदि इसका खंडन किया जाता है तो ये पूरी तरीके से जांच का विषय और जांच पदाधिकारियों की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इस संबंध में फर्दर कुछ कहा जा सके। चुनाव सबसे बड़ा पर्व है, मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गई है। सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि यह आपका हक है और आप अपना हक का प्रयोग करेंगे ये प्रजातंत्र को मजबूती देगा। ये एक अच्छी मुहिम है मुजफ्फरपुर न्यूज का, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। प्रजातंत्र के इस महापर्व के अवसर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशासन भी अपनी तरफ से इसी मुहिम को चला रहा है, इसलिए प्रशासन को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त मुजफ्फरपुर जिले के तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे बढ़ चढ़ करके मतदान के लिए मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 6 मई को होगा मतदान उस दिन, और वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 12 तारीख को हमारा 12 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है, उस दिन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, भाग लें। मैं चाहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान, इसके यही मेरा अनुरोध है कि सभी अधिक से अधिक मतदाता निकल करके इस महापर्व में भाग लें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।